बर्तन है। अब आप लोग मुझसे डाउट पूछे कि कौन कहाँ पर आता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने मान लीजिए ये हटा दिया, सॉरी कौन सा वो होगा, कौन सा बर्तन होगा? हाँ भरत बताइए, विशेषण बर्तन। क्यों विशेषण बर्तन होगा? क्योंकि वहाँ वहाँ पर जो है यहाँ पर व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वो क्या, वो किससे घिरा हुआ है, परेशानियों से घिरा हुआ है यह व्यक्ति, इसीलिए यहाँ पर विशेषण पर होगा। ठीक है, यहाँ पर स्मृति बताइए कि यहाँ पर अगर मैंने साड़ी तक कर दिया, रेखांकित रेशम से बुनी हुई साड़ी, तो ये कहाँ कौन सा बर्तन होगा बता सकते हो? हाँ संज्ञा बर्तन। क्यों संज्ञा बर्तन होगा? रेशम तो यहाँ पे रेशम विशेषण है, साड़ी जो है यहाँ पर संज्ञा है। तो अंत में रेखांकित जहाँ पर की जाती है और किसके बारे में बताई जा रही है वो ज्यादा जरूरी है, वो आप लोग पूरे वाक्य में पढ़िए और वहां से छाटिएगा। तो साड़ी तक लगाया है मैंने, तो इसका मतलब क्या होगा, ये संज्ञा पद हो गया। इससे पहले जब मैंने साड़ी नहीं लगाई थी तब वो कौन सा था? विशेषण पद। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो रेखांकित मैंने कहां से कहां तक किया है, और आपको पूरे सेंटेंस को पूरे वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़कर पता चल करना है कि ये संज्ञा पद है, ये विशेषण है, ये सर्वनाम है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि जैसे अगर मैंने ये बहुत देर हटाकर आएगी में लगाऊंगी तो ये कौन सा हो जाएगा? सिर्फ आएगी, गाड़ी देर से आएगी, आएगी अगर होगा तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। ठीक है, एक ही हुआ, वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो एक हुआ, लेकिन ये पूरे सेंटेंस को बता रहा है कि नहीं, पूरे वाक्य को बता रहा है कि नहीं, गाड़ी बहुत देर से आएगी। कैसे आएगी गाड़ी? बहुत देर से आएगी। ठीक है, बैठिए। फिर जैसे यहाँ पे क्रिया में, क्रिया पदबंध में हम लोग ज्यादा परिवर्तन कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो एकदम डायरेक्ट रहता है, एकदम सीधे पूछा जाता है कि बच्चा, इसमें यही सबसे अच्छी है आपको समझने के लिए कि बच्चा दौड़ रहा है, इसमें एकदम पूर्ण रूप से ये क्रिया ही बताएगा और इसमें कोई अलग वाक्य जोड़ा नहीं जाता है। तो अंत के जितने भी वाक्य रहते हैं क्रिया में, वो पहचानना बहुत सरल है कि सबसे पहले अगर यहाँ तक रेखांकित है तो आपको पता चलना चाहिए कि दौड़ रहा है, ये कुछ कार्य कर रहा है, एक्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर दौड़ रहा है क्या होगा? क्रिया होगा। अब क्रिया का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? किसी कार्य के करने या होने को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो ये पांचों आ गए इसमें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। चलिए अब किताब खोलिए, उसमें मैं आप लोगों को कुछ देती हूँ, आप लोग कीजिए। सर्वनाम पद, ये क्यों सर्वनाम पद है योगी, बता सकते हो आप?
हाँ, ये वह सर्वनाम है। इसीलिए जो बच्चा कल आया था वह पटना गया है, तो वह जो है सर्वनाम है, इसलिए ये क्या है, सर्वनाम वर्णमाल है। हाँ बेटा। मैम अगर ये था तब रेखा क्यों संज्ञा होता, क्योंकि जो बच्चा कल बच्चा, हाँ, यहाँ पे बच्चे के बारे में बताया गया है, बताया जा रहा है, इसीलिए अगर था तक होता तो वो क्या होता, संज्ञा वर्णमाल होता। वेरी गुड। शेर की दहाड़ जैसे गरजते हुए तुम आज सुस्त क्यों हो, विशेषण। विशेषण, विशेषण सही है, हाँ विशेषण। शेर की दहाड़ जैसे गरजते हुए, हुए तक रेखांकित की हुई है, तो ये हमेशा गरजते रहता है, लेकिन आज वह सुस्त हो गया है, आलसी हो गया है, तो यहाँ पर उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए विशेषण क्या है, विशेषण परबल है। तो अगर मैंने ये विशेषण, ये रेखांकित यहाँ तक किया होता तब, अगर तुम तक होता तो क्या होता, हाँ, क्योंकि अंत वाला देखा जाता है, ठीक है। अगर आप इसको सर्वनाम विशेषण भी लिखोगे तो भी एकदम सही होगा। इसमें दो पदबंध आते हैं, एक विशेषण पदबंध और एक सर्वनाम पदबंध। अगर कोई बच्चा अगर विशेषण पदबंध लिखता है तब भी सही है, अगर कोई बच्चा सर्वनाम पदबंध लिखता है तब भी सही होगा। तो हाँ, हाँ, दोनों एक वाक्य में दो पदबंध हो सकते हैं। पदबंध का तो अर्थ ही है दो या एक से अधिक वाक्य जब मिल जाते हैं परस्पर, उन्हें तो पदबंध कहा जाता है, ठीक है। तो अब आइए, भोले बाबा राम रत्न जैसा हीरा कहाँ मिलता है, भोले बाबा राम रत्न। संज्ञा पदबंध, क्यों संज्ञा पदबंध है, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो ये कौन सी संज्ञा होगी, अगर मैं संज्ञा बारे में संज्ञा के बारे में पूछूंगी तो कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्ति वाचक संज्ञा। वेरी गुड। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आएगा। अगर ये अगर मैंने यहाँ ना करके यहाँ किया होता तो रेखांकित जैसा हीरा कहाँ मिलता है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ना रखते हुए ऐसा जैसा हीरा कहाँ मिलता है, विशेषण होगा, और एक और हो सकता है, यहाँ पे प्रश्नवाचक भी है, प्रश्न भी कर रहा है, जैसा हीरा कहाँ मिलता है, सर्वनाम क्यों मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर कहाँ है, आप लोग याद कीजिए सर्वनाम के छह भेद हैं, है कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, लयवाचक, सर्वनामवाचक और प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक के अंतर्गत ये आएगा और ये विशेषण भी कहलाएगा, विशेषण में भी आएगा, क्यों, क्योंकि ये जैसा हीरा कहाँ मिलता है, ये क्या बता रहा है, इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि ये जैसा हीरा कहाँ मिलेगा। फिर आग और पानी का साथ नहीं हो सकता, आग और पानी, हाथ उठाइए जिसको आग, हाँ मैंने बताइए, संज्ञा पद, वेरी गुड। संज्ञा में बैठिए, संज्ञा में ये कौन सा संज्ञा के अंतर्गत आएगा, कोई बता सकता है, ये जो है ये द्रव्यवाचक है, किंतु तो आप लोगों को सिर्फ संज्ञा पदबंध ही पदबंध है या क्रिया विशेषण पदबंध है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें आप जब तक ये आप लोगों को पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी तब तक आप नहीं कर सकते, क्योंकि सब मिलाकर पूछा जाएगा, संज्ञा है या सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है या क्रिया विशेषण, ठीक है। अब पुस्तक से आपके 344 पेज नंबर खोलिए। चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे, चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे। अगर मान लीजिए मैंने रेखांकित नहीं की है तो आप क्या कैसे बोलोगे, आपको बताइए, हाँ कैसे सर्वनाम होगा बेटा, सर्वनाम
वेरी गुड। तो चोट खाए हुए तुम